फुर्ज गहर नगर परिषद में जल चुका है मसाल, और यह मसाल कितना अंधकार को दूर करता है, आइए जानते हैं। इस मसाल में आज शामिल इस मसाल यात्रा क्यों जली है, किस लिए जलाया गया है, किनके विरोध में और किनके सपोर्ट में जलाया गया है। नेताजी मसाल यात्रा में जो चले हैं, किस मुद्दे को लेकर के इस मसाल यात्रा को निकाले? बिहार में जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जाति गणना कराने का जो निर्णय लिया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, जाति गणना का जो विरोध कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला है। और जो बिहार की जनता है उसको हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का काम कर रही है। जो हमारे नेता बिहार के विकास के लिए लगे हुए हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत यह जाति गणना का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें यह तय है कि जब जाति गणना होगी तो समाज में दबे, कुचले, पिछड़े, अगड़े सबका जो भौतिक सत्यापन होना है कि उसकी आज की सामाजिक स्थिति क्या है, उसके लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी संस्थाएं हैं वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसका विरोध कर रही हैं, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह मसाल जुलूस निकाले हैं। हाईकोर्ट तो आपके समर्थन में फैसला दिए हैं, तो क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जा रहे हैं भाजपा वाले, इसी के विरोध में आज ये मसाल यात्रा निकाला है? अभी आपको मालूम होगा कि सॉलिसिटर जनरल, अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट कई संस्था इसके विरोध में, तो सॉलिसिटर जनरल वहां जाकर के इसका विरोध किया उन्होंने। ऐसा कि ये चलते चलते जाति आधारित गन्ना का विरोध कर रही भाजपा का जो पर्दे के पीछे से जो विरोध कर रही थी, वो पोल खुल गया है। उसी के विरोध में जनता दल यू पूरे बिहार में पूरे तीन जिला स्तर पर, दूसरे दिन प्रखंड स्तर पर जदयू कार्यकर्ता उसका पोल खोलने के लिए हम लोग जनता को बताने आए हैं कि देख लीजिए जाति आधारित गन्ना का विरोध सामने से वो कहती है कि हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन पीछे से पर्दे के पीछे से उसने विरोध करने का काम किया और इसको जो है अपने दलालों के थ्रू इसको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाने का काम किया। उसका पोल खुल गया है, इसीलिए जनता दल यू जो है उसका पोल खोल अभियान के तहत हम लोग मसाल जुलूस लेकर के निकल चुके हैं और आम पब्लिक को गाँव गाँव घर घर जाके इसका हम जानकारी देंगे लोगों को और दे रहे हैं ग्राम संसद के माध्यम से। उसके बाद जो है हम लोग का चल रहा है निरंतर, प्रत्येक पंचायत में हम लोग जा करके बता रहे हैं, हैंडबिल के माध्यम से, पोस्टर, बैनर, सारा चीज के माध्यम से लोगों को हम बता रहे हैं कि जो है देख लीजिए सामने से कुछ, पर्दे के पीछे कुछ। मोदी जी की दोहरी नीति जो कहते थे कि मैं दो साल हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 9 साल हो गया 18 करोड़ रोजगार कहा। मोदी जी कहते थे कि मैं काला धन वापस लाऊंगा, काला धन है कहा। मोदी जी कहा करते थे कि किसानों की आय दुगनी करूंगा, किसानों की आय दुगनी कहा हुई। मोदी जी कहा करते थे कि हर एक के खाते में 15 लाख लाऊंगा, कहा गया। मोदी जी ने ओबीसी छात्रों का छात्रवृत्ति रोकने का काम किया, इसीलिए आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय सुजगढ़ा पटेल चौक से लेकर के सुजगढ़ा तक मसाल जुलूस निकालेंगे और मोदी का पोल खोलेंगे। मोदी सिर्फ जो पूंजीपति है अडानी और नीरव मोदी और ये कुछ और ऐसे लोग हैं उनके जिनका समर्थन सिर्फ करते हैं और किसी को कोई फायदा आ सकने हुआ, इसके लिए हम लोग आज मसाल जुलूस निकाल करके उनका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी उनके तो कहीं से विरोध तो जाति जनगणना का नहीं कर रहे हैं, जातीय जनगणना उन्होंने रोक दिया है। आपको पता होना चाहिए कि नीतीश जी ने जातीय जनगणना का गणना करा दी, मगर जातीय जनगणना उन्होंने पेश नहीं करने दिया है, उन्होंने रोक लगा दी है। इसके लिए हम लोग सब लोग जदयू कार्यकर्ता नीतीश जी के सिपाही हम लोग आज मोदी जी का पोल खोल अभियान करेंगे। वकील साहब आप तो अच्छी तरह से इस चीज को जानकारी भी रखते हैं, जाति गणना के समर्थन में आप उतरे हैं आज और कह रहे हैं कि बीजेपी इसका विरोध कर रहे हैं, जाति गणना से फायदा क्या होगा? देखिए भारत सरकार विरोधी जनगणना कराती है प्रत्येक 10 वर्षों में, श्री नीतीश कुमार जाति गणना
जाति गणना करने से ये जो भारतीय संविधान में आरक्षण का जो कोटि मिला है, अभी अभी बीजेपी ने जो सवर्णों को आरक्षण का प्रावधान बनाया, जाति गणना तो कराए नहीं, सवर्ण लोग 20% है, आरक्षण कितना दे दिए, ये जुल्म किया। नीतीश कुमार जी ने सोचा कि हम जाति जनगणना ही क्यों नहीं कर रहे, जिन जातियों की जितनी संख्या हो उस आधार पर हम आरक्षण में नौकरी में पंचायत में नगर परिषद में तमाम चीजों में जब तक जाति गणना नहीं होगी, विकास का आर्थिक पैसे जो देते हैं वो हम देने में असक्षम हो जाते हैं। जाति गणना के लिए हम लोग तैयार हुए। अंत में कहना होगा कि जो मसाल यात्रा है इसका मतलब कि हम लोगों ने जिस मुद्दे को लेके पूरे देश में कही खुल गई, तो हमारे विरोध में भाजपा ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मुर्दाबाद, तो हमारे नीतीश बाबू के इन प्रस्तावों को मुर्दाबाद सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन कर दिया। किसी का खुशी में कि भाजपा ने गलत बात कर रहा था, उनकी बातों को मैं पब्लिक तक पहुंचाने के लिए मेरा मसाल बने रहे सजग समाचार के साथ। नमस्कार।